हेलो। हेलो। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन। तो देखिए, अगर हम तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी का और मिथाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी का। तो देखिए, क्लोरोबेंजीन इज वेरी लेस रिएक्टिव, इट इज वेरी लेस रिएक्टिव। एज कंपेयर टू मिथाइल क्लोराइड, हाँ, ठीक है, अभी मैं क्लास ले लूँ ना। हाँ हाँ परे जाओ, ठीक है, बेटा डिस्टर्ब मत करो। हाँ, डोर बंद करो। सॉरी स्टूडेंट्स, बच्चे आ जाते हैं बीच में डिस्टर्ब करने। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। सो इस चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव क्यों है एज कंपेयर टू मिथाइल क्लोराइड। अब देखिए कि जब रिएक्शन होती है तो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होता है वेदर और इट इज मिथाइल क्लोराइड। सो अब क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव है, ठीक है, एज कंपेयर टू मिथाइल क्लोराइड। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन का जो ये वाला बॉन्ड है
इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो देखिए ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्लोरोबेंजीन में है दिस बॉन्ड इज नॉट अ सिंगल बॉन्ड। इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है हेलोएरीन्स में, दिस वन, दिस बॉन्ड इज नॉट अ सिंगल बॉन्ड, इट इन्वॉल्व्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट। इसमें क्या मिलेगा हमें, पार्शियल डबल बॉन्ड। सो इस इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। ये चीज हम किससे समझेंगे, फ्रॉम रेजोनेंस। तो देखिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, साथ साथ में बनाइए आप भी कॉपी के ऊपर, और इसी तरह के चार बेंजीन रिंग और बनाएंगे जिसको कि हम वेकेंट रखेंगे। नाउ देखिए क्लोरीन एटम के पास तीन लोन पेयर हैं,
और बेंजीन रिंग के कार्बन एटम्स को मैं नंबरिंग कर दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. नाउ दो पाई बॉन्ड एस सच बना देंगे। और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देर आर टू पाई इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन एटम नंबर 1 एंड 2। ठीक है, यहां देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 1 में कार्बन एटम नंबर 1 और 2 के बीच में एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, एक ग्रीन इलेक्ट्रॉन बनाया मैंने कार्बन एटम नंबर 1 की साइड को और एक रेड इलेक्ट्रॉन बनाया मैंने कार्बन एटम नंबर 2 की साइड को। ठीक है, अब हम इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे, मीन टू से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देंगे हम कार्बन एटम नंबर 2 की साइड। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं हम, इन स्ट्रक्चर्स को लिखती बार हम दो तरह के एरो यूज करते हैं, एक इस तरह का या इस तरह का, ये एक ही चीज है, भी डायरेक्शन डिफरेंट है। दिस एरो इंडिकेट्स ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और एक एरो और होता है जिसको हम फिश हेड एरो भी बोलते हैं। दिस एरो इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर मैंने शो किए है मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि 1 कार्बन एटम नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन भी मैंने किसको दे दिया, कार्बन एटम नंबर 2 को। तो कार्बन एटम नंबर 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए कार्बन एटम नंबर 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों आया, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम नंबर 2 का है और एक कार्बन एटम नंबर 1 का था, तो मैंने दोनों किस साइड को दे दिए, कार्बन एटम नंबर 2 को। मीन टू से कार्बन एटम नंबर 2 को कार्बन एटम नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन मिल गया, वो एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया।
देखिए, कार्बन एटम नंबर वन का इलेक्ट्रॉन जब टू पे चला गया तो कार्बन एटम नंबर वन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्लोरीन एटम का एक लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम नंबर वन को दे दिया, तो जो कार्बन एटम नंबर वन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया वो न्यूट्रलाइज हो गया। क्यों? इन दो इलेक्ट्रॉन में से भी देखेंगे, ये जो लोन पेयर मैंने स्ट्रक्चर नंबर वन में ग्रीन कलर से सर्कल किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने कार्बन एटम नंबर वन को दे दिया, जिससे कि कार्बन एटम नंबर वन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अपने पास ही रखा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम नंबर वन पे चला गया, सो क्लोरीन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए कि क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया, शेयर कर लिए दोनों, और एक पाई बॉन्ड बन गया ये, ठीक है, जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया। तो इस तरह से हमारे पास ये दूसरा स्ट्रक्चर आ गया। अब आते हैं थर्ड स्ट्रक्चर पे। अगेन हमने मूवमेंट शो करनी है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो पहले पाई बॉन्ड था कार्बन एटम नंबर वन एंड टू के बीच में, उसको हमने टू की ओर मूव किया। इसी तरह से अब हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेंगे फ्रॉम कार्बन एटम नंबर थ्री टू फोर। तो इसके लिए मैं स्ट्रक्चर नंबर टू में एरो लगाऊंगा फ्रॉम कार्बन एटम नंबर थ्री टू फोर। कितने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई? टू की, ठीक है। तो इसी बॉन्ड की मूवमेंट होगी, ठीक है, और बाकी बॉन्ड्स को कुछ नहीं होगा। तो जिन बॉन्ड्स को कुछ नहीं होगा उनको एज सच हम बना देंगे। टू इलेक्ट्रॉन इसकी मूवमेंट हो गई, दैट मीन्स कि कार्बन एटम नंबर थ्री का इलेक्ट्रॉन फोर को दे दिया, तो फोर के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, जैसा कि टू के ऊपर हुआ था। तो कार्बन एटम नंबर फोर्थ, कार्बन एटम नंबर फोर विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। नाउ थर्ड का इलेक्ट्रॉन फोर्थ के पास चला गया, तो थर्ड के ऊपर आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
लेकिन सेकंड के पास देखिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो सेकंड ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और एक थर्ड को दे दिया, ठीक है। तो इसको मैंने एरो लगाया ऐसे, ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज को मैं एरो लगा रहा हूं। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम नंबर 2 के पास रह गया और एक थर्ड के पास आ गया, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है। यही चीज़ आगे फिर से रिपीट होगी, तो दोबारा से जिनको पता नहीं लगा वो दोबारा से सीखेंगे इस चीज़ को। तुम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, वी आर मूविंग पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 से 2 की ओर, 3rd से 4th की ओर, और नाउ अब मूवमेंट होगी 5th से 6th की ओर, ठीक है। ये है 5th कार्बन एटम और ये है 6th, तो 5th से एरो लगाइए 6th की ओर, ठीक है। बाकी बॉन्ड्स को कुछ नहीं होगा तो उनको एज सच बना दो, ठीक है। इस तरह से 5th से जब 6th की ओर एरो लगा तो 6th के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, अब 5th से 6th की ओर मूवमेंट कम हुई तो नेगेटिव चार्ज आया 6th पे, नेगेटिव चार्ज आया 6th पे कार्बन एटम नंबर, दैट मीन्स कि 5th का इलेक्ट्रॉन 6th कार्बन एटम नंबर को मिला, तो 5th के ऊपर आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, बनाऊंगा नहीं मैं, क्यों, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है 4th से ये आगे चला जाएगा, डीलोकलाइज है ये। इसका मतलब ये हुआ कि 4th कार्बन एटम नंबर ने एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर रखा और एक 5th को दे दिया, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आया। जब 4th ने 5th को दिया तो जब मैं बोल रहा था कि मैं पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाऊंगा, वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि 4th ने इलेक्ट्रॉन 5th को दे दिया, इसलिए 5th का इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। नाउ 4th एंड 5th विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड, इन दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इस तरह से अब हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 5 की ओर। अब देखिए, अब कार्बन एटम नंबर 1 और क्लोरीन के बीच में पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है, किसकी ओर, क्लोरीन की ओर, ठीक है। जो ग्रीन कलर से जो मैंने बॉन्ड बनाया, दैट मीन्स कि यहाँ पर कार्बन की साइड का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन के पास अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला आ गया, तो क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज
न्यूट्रलाइज हो गया। एक बात, सिर्फ इसी पाई बॉन्ड की मूवमेंट है, बाकियों की नहीं है, तो बाकी बॉन्ड्स को एज सच बना लीजिए। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन की ओर चला गया, ठीक है, तो कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगेन मैं बोलूँगा कि इस पॉजिटिव चार्ज को मैं नहीं बनाऊँगा, चलिए बना देता हूँ यहाँ पे। लेकिन ये जो ग्रीन कलर का जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, इसको आगे शिफ्ट कर देंगे अभी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सिक्स कार्बन एटम ने, कार्बन एटम नंबर सिक्स ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम नंबर वन को दे दिया। इसलिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया। एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रह गया, कार्बन एटम नंबर सिक्स के पास। ठीक है, नाउ इन दोनों ने बॉन्ड फिर से बना लिया फिफ्थ और सॉरी सिक्स एंड फर्स्ट कार्बन एटम में। इस तरह से इन स्ट्रक्चर्स का मैं एक बार फिर से रिपीटेशन करूंगा कि हमने कैसे कैसे बनाए। ठीक है, आई होप कि आपने ये कंप्लीट कर लिए होंगे बना के। यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। देखेंगे का स्ट्रक्चर नंबर वन पे, कार्बन एटम नंबर वन और टू के बीच में जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया कार्बन एटम नंबर टू पे। ठीक है, इसका मतलब समझिए, देखो पाई बॉन्ड बना था कार्बन एटम नंबर वन और टू के बीच में, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम नंबर वन का था, एक कार्बन एटम नंबर टू का था। ठीक है, जब इस तरह का एरो मैंने लगाया, तो इसको मैंने बताया आपको कि टू इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी है आपको। ठीक है, तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये किसकी ओर शिफ्ट कर दिए मैंने, टू की ओर शिफ्ट कर दिए। तो टू को जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक है, तो टू के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और वन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज हो गया, कि क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम नंबर वन को दे दिया। ठीक है, अब क्लोरीन ने दिया था, तो क्लोरीन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर स्ट्रक्चर नंबर टू में क्या हुआ, देखिए कार्बन एटम नंबर थ्री से फोर की ओर दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कर दी हमने। ठीक है, तो कार्बन एटम नंबर फोर्थ के ऊपर यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इस प्रोसेस पे फोर्थ के ऊपर पॉजिटिव आया, सॉरी थर्ड के ऊपर पॉजिटिव आया, क्योंकि थर्ड का इलेक्ट्रॉन फोर्थ की ओर चला गया। लेकिन सेकंड ने ये एरो लगाया जो है, सेकंड ने ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थर्ड को दे दिया। ये देखिए, ये थर्ड को मिला और ये सेकंड के पास एक रह गया, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट क्या किया हमने, फिफ्थ के इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ का, वो सिक्स्थ को दे दिया, सिक्स्थ के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। फिफ्थ के ऊपर अब पॉजिटिव आया होगा,
लेकिन फोर्थ के पास एक्स्ट्रा है, जहाँ मैंने नेगेटिव लगाया है और एनसर्कल किया है, दैट मीन्स कि उस एटम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ ग्रीन एरो लगाया मैंने, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, फिफ्थ के पास। एक फोर्थ के पास रहा, एक फिफ्थ के पास रहा, दोनों के बीच में क्या बन गया, ये वाला पाई बॉन्ड। ठीक है, अब आया सिक्स्थ के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये देखिए सिक्स्थ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये कार्बन क्लोरीन के बीच में जो पाई बॉन्ड बना था, ये पाई बॉन्ड किसकी ओर शिफ्ट कर दिया, क्लोरीन की ओर। ठीक है, अब इस प्रोसेस में कार्बन एटम नंबर वन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों, जहां एरो की टेल, वहां से इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड को चले गए, तो कार्बन एटम नंबर वन के ऊपर पॉजिटिव, लेकिन सिक्स के ऊपर नेगेटिव है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट को दे दिया, तो फर्स्ट और सिक्स के बीच में ये बन गया पाई बॉन्ड। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका है कि जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाने हैं, बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, तो वेकेंट बेंजीन रिंग बना दो, एम्प्टी बेंजीन रिंग बना दो, ठीक है। और फिर जिस एरो के ऊपर, सॉरी, जिस बॉन्ड के ऊपर एरो लगा है, वो वाला बॉन्ड नेक्स्ट स्ट्रक्चर में नहीं बनाना है, जिनको एरो नहीं लगा है उनको एज सच बता देना है, आगे बना दिए, ठीक है। ऐसे ही मूव करते चलिए और इस तरह से ये प्रैक्टिस से आप ये चीज़ सीख पाएंगे। अब देखेंगे कि स्ट्रक्चर नंबर टू, थ्री और फोर, इन स्ट्रक्चर्स में कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड है। फर्स्ट एंड फिफ्थ में कार्बन और क्लोरीन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स दे रिजेंबल द रियल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमने ये स्ट्रक्चर बनाए, ये क्लोरोबेंजीन का इनमें से असली स्ट्रक्चर कोई नहीं है, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन से मिलते जुलते हैं, ठीक है। और असली स्ट्रक्चर जो है, वो इन स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड है, ठीक है। तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे, ठीक है। और कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड इस तरह से देखिए, ये सिंगल बॉन्ड, दो लाइन लगा दी मैंने तो डबल बॉन्ड, ठीक है। मीनिंग ऑफ बॉन्ड इज, व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या होता है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, मान लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, 5 न्यूटन मान लेते हैं भाई, एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है, एग्जांपल के लिए कर रही हम बात। डबल में मान लेते हैं, ये डबल बॉन्ड में कितना होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बॉन्ड, लेट इट बी 10, ठीक है। लेकिन 5 और 10 के बीच में भी तो फोर्स की वैल्यू हो सकती है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, इसके बीच में भी फोर्स की वैल्यू है। अगर मान लेते हैं 7 न्यूटन है, दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? 5 और 10 के बीच में है। दैट मीन्स कि ये जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डबल बॉन्ड से थोड़ा कम। ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा कि कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड जो है वो सिंपल सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड भी नहीं है, ठीक है। तो ये डबल और सिंगल के बीच इस बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो देखिए, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या है, थोड़ा टफ है। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि क्लोरोबेंजीन में और मिथाइल क्लोराइड में, इसमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिंपल, ये वाला बॉन्ड जो है, दिस बॉन्ड इज सिंपली सिंगल बॉन्ड है ये। ठीक है। अब ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दैट मीन्स कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। सो जिसमें बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट, दैट मीन्स कि वो बॉन्ड क्या है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, वो कंपाउंड क्या है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, इसकी लेस रिएक्टिविटी का एग्जांपल देखते हैं। देखिए कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमें हीट करना पड़ता है और टेम्परेचर रखना पड़ता है हमें 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर रखना पड़ता है हमें 300 एटमोस्फेयर। टू फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड बोल लो या 250 में 273 ऐड करके इसको आप 350 दिस टेम्परेचर इज अबाउट 350 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट 250। ठीक है, एंड वी गेट देखिए 300 एटमोस्फेयर
बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हम रूम कंडीशन में, रूम टेम्परेचर और जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वो कंडीशंस आपको याद होंगी, रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं हम, और हमारे ऊपर जो नॉर्मल प्रेशर है, ठीक है, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर, बट यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, 300 एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स कि क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल्स दे आर नॉट रिएक्टिव, उनकी कोई बहुत ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है रिएक्ट करने के लिए, उनको रिएक्ट करवाने के लिए हमें 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, और एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमें टेम्परेचर कितना रखना पड़ रहा है, 350 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर दिस सी एल इज़ रिप्लेस्ड बाय दिस ओ एच नेगेटिव आयन, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, वैसे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा, ओ एच, ठीक है, और एन ए सी एल यहाँ पर माइनस हो गया, लेकिन जो ये कंपाउंड हमारा बना फिनोल, इट इज एसिडिक इन नेचर, तो एसिडिक कंपाउंड जब बनेगा तो ऑलरेडी यहाँ पर मीडियम कैसा है, बेसिक है, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा भाई, ये बना लेगा बेस, बना लेगा ये, सॉरी, एसिड बेस के साथ मिलकर क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, इसको अभी हम दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे अलग से, बट ये लिखेंगे हम सोडियम फिनोक्साइड बना। देखिए क्या हुआ, हमारे पास बना C6H5OH, इसको बोलते हैं फिनोल, ठीक है। अब फिनोल क्या बताया मैंने, एसिडिक, ये NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव, तो फिनोल, ठीक है, फिनोल से H पॉजिटिव चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो C6H5 बेंजीन का पार्ट है, ठीक है, फिनाइल ग्रुप होता है C6H5, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम बन गया फिन ऑक्साइड, ठीक है, ये जो आयन है इसका नाम बन गया फिन ऑक्साइड, सॉल्ट है ये, साथ में क्या है यहाँ पर हमारा, सोडियम, सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम फिनोक्साइड, सॉल्ट बनाइए, ठीक है। अब इसको हम डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि सॉल्ट प्लस एसिड क्या बनेगा, न्यू सॉल्ट प्लस न्यू एसिड बन जाएगा, तो एन ए सी एल के साथ मिलकर क्या बना देगा, एन ए और एच सी एल का सी एल क्या बना दिया इन्होंने, एन ए सी एल, सोडियम फिनोक्साइड का ये ओ, और डाइल्यूट एच सी एल में से एच पॉजिटिव यहाँ लग गया, ठीक है, तो फिनोल बन गया, तो फिनोल इज न्यू एसिड एंड एन ए सी एल इज न्यू सॉल्ट, तो ये जो प्रोसेस है फिनोल बनाने का फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं डाउज प्रोसेस, डाउज
प्रोसेस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है इसमें ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू दिस, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे पास हार्श कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज 350 डिग्री सेंटीग्रेड। हेलो, सो एक तो रीजन हमने एक्सप्लेन किया कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड, कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड इन्वॉल्व पार्शियल डबल बॉन्ड पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड मीन स्ट्रॉन्गर देन पाई, सॉरी स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड बट वीकर देन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है कि और क्या रीजन है कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड जो है इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरो एल्केन। ठीक है, अब देखिए सेकंड रीजन है कि क्लोरो बेंजीन में ये जो कार्बन है इट इज एस पी टू हाइब्रिडाइज। और मिथाइल क्लोराइड में जो कार्बन है इट इज एस पी थ्री हाइब्रिडाइज। अब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ sp3। ठीक है, साइज किया हमने कंपेयर किसका, साइज ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल।
जब कार्बन एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज स्मॉलर है, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो ये बॉन्ड बना है ये भी क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, एटम्स क्या हैं, क्लोजर होंगे, क्लोजर हैं दैट मीन्स के बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। दूसरा देखिए, ये दो रीजन हो गए भाई, साइज ऑफ ऑर्बिटल का दूसरा हो गया, पहला हमारा हो गया आपका रेजोनेंस। नेक्स्ट रीजन देखेंगे हम, थर्ड रीजन है ये। थर्ड रीजन में देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन में देखिए, क्लोरीन एटम हेलोजन एटम दोनों में सेम है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर आया डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, पोलर बॉन्ड है ये। यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव एंड कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कार्बन है, अगेन इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और इस वाले कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कौन से वाले की, sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस है। ठीक है, और इस वाले कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर है, ज़्यादा है। ठीक है, आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं हम दोनों कार्बन एटम का। तो देखिए, ये वाला कार्बन एटम कौन सा, जिसको मैं ग्रीन कलर के बीच में ले रहा हूँ, ये वाला कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो आया, डेल्टा पॉजिटिव जो है, यहाँ पर वो लेस होगा एज कंपेयर टू द कार्बन एटम ऑफ मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इट इज़ यहाँ पर पॉजिटिविटी क्या है, यहाँ पर पॉजिटिविटी क्या है, लोअर है, और यहाँ पॉजिटिविटी क्या है, हायर है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर कहाँ पर, इस कार्बन एटम के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, स्लोअर होगा, और जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर फास्ट और यहाँ पर स्लो, तो जहाँ पर स्लो है वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये थ्री मेन रीजंस हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड किस में, इन C6H5Cl में क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसको ब्रेक करना क्या है, टफ है, इसलिए ये
लेस रिएक्टिव होती है क्लोरो बेंजीन। सो दिस एक्सप्लेन्स द लो रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरो बेंजीन। और साथ में हमने ये भी सीखा कि डोज या डाउस प्रोसेस क्या है। अब मैं दोबारा से आऊंगा क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो देखेंगे कि स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 और 4 में कार्बन एटम नंबर 2 में, स्ट्रक्चर नंबर 2 में कार्बन एटम नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 3 में और कार्बन एटम नंबर 6 स्ट्रक्चर नंबर 4 में क्या है, कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सो अब इन रिएक्शन में, ऐसी रिएक्शन में जिनमें कि क्लोरोबेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 2, 4 और 6 में तो हमें यहां पर डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज दिख रहा है इन सब के ऊपर, ठीक है। तो देखिए कि ड्यू टू क्लोरीन बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को क्या चीज चाहिए होती है, अभी पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन ने क्या कर दी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी, ठीक है, बाया रेजोनेंस। इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्या होगा, स्लो होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं यहीं पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज स्लोअर इन क्लोरोबेंजीन। क्या कारण है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर इन क्लोरोबेंजीन ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है भाई। तो अब यहां पर एक और बात समझ लेंगे हम जल्दी से, देखिए क्लोरोबेंजीन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं पैरा पोजीशन पे लगा है NO2 ग्रुप,
जो NO2 ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ये। सो ये क्या करता है कि क्लोरोबेंजीन में से, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है, इसलिए क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कौन सी, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन है ये थोड़ा लोअर टेम्परेचर के ऊपर हो जाती है, ठीक है। सो इट अकर्स एट 443 केल्विन, दैट मीन्स ये जो है 350 पे नहीं होती है, वन सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और इसमें हमें 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी अप्लाई नहीं करना पड़ता है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब बेंजीन रिंग में अगर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाते हैं, मान लेते हैं अभी, यह है क्लोरोबेंजीन, अगर इसमें दो NO2 ग्रुप लग जाते हैं, तो NUH के साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है 368 केल्विन के ऊपर। 368 का मतलब ऑलमोस्ट 95 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर Cl रिप्लेस हो जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर OH। ठीक है, पहले यहाँ आएगा ONA और फिर डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करके यहाँ पर, अगर मैं इसको पूरा कर दूँ तो और ये बन जाएगा OH।
आई थिंक पिछले रिएक्शन में कुछ और लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैंने सी एल रिप्लेस नहीं किया, सी एल रिप्लेस हो जाएगा प्रीवियस वन में, आई थॉट इट इज डाइक्लोरो बेंजीन बट इट वॉज सिंपली क्लोरो बेंजीन। तो यहाँ पे इसमें आएगा इस तरह से डाइल्यूटेड सीएल के साथ, फिर यहाँ पे आ जाएगा OH। सो देखेंगे, कंट्रास्ट देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी को न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए इंक्रीज करता है, ठीक है। विदाउट नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड, बट अगर एक एनओ टू ग्रुप है तो 170 डिग्री पे आ जाता है, ठीक है। फिर आपको कैसा लगा?